वाले और आप तुम पढ़ाने जा रहे हैं वैद्युत अपघट के विलयों की तुल्यांकी चालकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैद्युत अपघटों के विलयों की तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपकी तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। तो तुल्यांकी चालकता क्या, ये समझिए कि किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में वैद्युत अपघट्य पदार्थ का, वैद्युत अपघट्य पदार्थ का, ठीक है, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में वैद्युत अपघट्य पदार्थ का एक ग्राम तुल्यांक बुलाओ। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से परिभाषा है आपको बुक में आसानी से नहीं मिलेगी, ठीक, इसीलिए सबसे सरल परिभाषा आई है कि किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में वैद्युत अपघट्य पदार्थ का एक ग्राम तुल्यांक घुलाओ, एक ग्राम तुल्यांक घुलाओ, तो इस अवस्था में, इस अवस्था में विलयन की चालकता को, ठीक है, इस अवस्था में विलयन की चालकता को, चालकता को उस वैद्युत अपघट्य पदार्थ की, उस वैद्युत अपघट्य पदार्थ की, उस वैद्युत अपघट्य पदार्थ की तुल्यांकी चालकता कहते हैं, तुल्यांकी चालकता कहते हैं। किसी विलयन के निश्चित आयतन में वैद्युत अपघट्य पदार्थ का एक ग्राम तुल्यांक घुला हो तो इस अवस्था में विलयन की चालकता को उस वैद्युत अपघट्य पदार्थ की तुल्यांकी चालकता कहते हैं। ठीक, सबसे सरल परिभाषा ये, इसे लैम्डा, ये लैम्डा होता है जैसे आप मैथ में पढ़ते हो कि आई के जे के, के बड़ा होता है भी ये, तो के पर समझ लेना, इसे बोलते हैं लैम्डा, इसे लैम्डा इक्यू या लैम्डा ऐसे बनाते हो कि इक्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, से प्रदर्शित करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिए, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, परिभाषा बहुत सरल है, ऐसे मोलर चालकता पढ़ेंगे तो उसकी परिभाषा क्या है कि किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में वैद्युत अपघट्य पदार्थ का एक मोल घुला हो, एक मोल घुला हो तो इस अवस्था में विलयन की चालकता को उस वैद्युत अपघट्य पदार्थ की मोलर चालकता कहते हैं। तो दोनों को बिल्कुल सेम परिभाषा है, ये तुल्यांकी चालकता है तो एक ग्राम तुल्यांक घुला हो। ठीक, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में वैद्युत अपघट्य पदार्थ का एक ग्राम तुल्यांक घुला हो तो इस अवस्था में विलयन की चालकता को उस वैद्युत अपघट्य पदार्थ की तुल्यांकी चालकता कहते हैं। ये सबसे सरल परिभाषा आपकी लिखी है। ठीक, इस तरीके से आपकी बुकों परिभाषा नहीं मिलेगी, और इसे लैम्डा इक्यू से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा इस तरीके से बनाया ऐसे। ठीक, तो ये परिभाषा है, और ये सूत्र के लिए लिख लेंगे कि किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन की तुल्यांकी चालकता का मान उसके विशिष्ट चालकत्व तथा एक ग्राम तुल्यांक विलयन के घन सेंटीमीटर में आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है, अर्थात लैम्डा इक्यू बराबर, या ऐसे लिख सकते हो, अर्थात तुल्यांकी चालकता बराबर, तुल्यांकी चालकता बराबर विशिष्ट चालकत्व गुणे एक ग्राम तुल्यांक वाले, एक ग्राम तुल्यांक वाले विलयन का, वाले विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन, घन सेंटीमीटर में आयतन, ठीक, इसके गुणनफल के बराबर होता है कि तुल्यांकी चालकता का मान विशिष्ट चालकत्व एक ग्राम तुल्यांक वाले विलयन
का घन सेंटीमीटर में आयतन के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात लैम्डा ई क्यू बराबर आएगा आपका विशिष्ट चालकत्व को कप्पा लिखते हैं और उन्हें बी आयतन है वो भी आयतन घन सेंटीमीटर में होगा। ठीक, उसके बाद देखिए इसके नीचे क्या आएगा कि लैम्डा ई क्यू बराबर क्या आएगा कप्पा गुणे अब बी कैसे आएगा। अब आपने सी बराबर सांद्रता पढ़ी है कि या नॉर्मलता बराबर आपने पढ़ा होगा नॉर्मलता, ठीक है, नॉर्मलता बराबर आपने पढ़ रखा है कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है, और ग्राम तुल्यांकों की संख्या है कितनी यहां पर एक और ये आयतन लीटर में और हमको चाहिए एमएल में, क्योंकि जो घन सेंटीमीटर होता है घन सेंटीमीटर आपका एक घन सेंटीमीटर बराबर एक एमएल के होता है भी और ये लीटर में होता है, अगर गुणे में यहां पर 1000 कर दे तो यहां पर एमएल में हो जाएगा। ठीक, बस को क्लियर हुई भाई, नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी एक, विलेय का आयतन लीटर में एमएल में हो तो गुणे में 1000 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये एमएल में हो गया और एमएल बराबर सेंटीमीटर के होता है। ठीक, जैसा कि लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो हमें क्या चाहिए सेंटीमीटर में, यहां पर लिख दिया सेंटीमीटर क्यूब में या एमएल में आयतन की और वही आपका लिखा हुआ है, तो जो आप इससे बी निकालेंगे तो बी बराबर क्या आएगा 1000 upon n, ठीक है भाई, इससे जब b निकालोगे क्या आएगा 1000 upon n, तो यहां पर सूत्र आ गया 1000 upon n b के स्थान पर। ठीक, ये फॉर्मूला हो गया, जहां क्या है जहां कैपिटल n क्या है वैद्युत अभ्यर्थ पदार्थ की नॉर्मलता है, वैद्युत अभ्यर्थ पदार्थ के विलयन की नॉर्मलता है। ठीक, ये सूत्र इसका बन गया, ध्यान रखिए कैसे हमने बनाया वो लिखने के बाद ये सूत्र लिख देना साइड में लिख देना। ठीक, जहां एन क्या है वैद्युत अपघट पदार्थ, वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन की नॉर्मलता, तो ये इसका सूत्र हो गया। ठीक, इसके बाद इसका मात्रक देखेंगे, देखिए तुल्यांकी चालकता का मात्रक क्या होगा, तुल्यांकी चालकता का मात्रक बराबर कप्पा का मात्रक, कप्पा क्या था विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व क्या था विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तो मात्रक क्या था ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और अपान में क्या आएगा नॉर्मलता, नॉर्मलता का मात्रक क्या होगा ग्राम तुल्यांक, तो यहां लिख सकते हो तुल्यांक और अपान में क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब, भाई जो आयतन है वो सेंटीमीटर क्यूब में है यहां पर। ठीक, यहां पर जो आयतन है कहां है सेंटीमीटर क्यूब में, देखो ये लिखा। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, चाहो तो ग्राम तुल्यांक लिख दीजिए यहां पर, तुल्यांकी चालकता मात्र क्या हुआ कप्पा का मात्र ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और अपान में नॉर्मलता है, तो अपान में नॉर्मलता क्या ग्राम तुल्यांक नीचे सेंटीमीटर क्यूब में आयतन है। ठीक, इसका मात्र क्या होगा ओम इनवर्स तो रहेगा ही सेंटीमीटर क्यूब आपका ऊपर चला जाएगा और ये सेंटीमीटर इनवर्स है तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा सिर्फ सेंटीमीटर स्क्वायर और ये क्या होगा तुल्यांक इनवर्स, तुल्यांक इनवर्स। अब ओम इनवर्स को लिखते हैं हम सीमेंस पढ़ा था आपने मात्रक सीमेंस और ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर और ये होगा आपका तुल्यांक इनवर्स सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और तुल्यांक मतलब ई EQ। ठीक,
या आपका मात्रक हो गया तुल्यांकी चालकता का। एसआई पद्धति में क्या होगा, एसआई में क्या होगा मात्रक इसका, एसआई में मात्रक सेंटीमीटर के स्थान पर मीटर होता है, तो यहां पर हो जाएगा सीमेंस मीटर स्क्वायर और तुल्यांक इनवर्स, ये एसआई में मात्रक इसका हो जाएगा। ठीक, अगली रेटिंग आपकी है वैद्युत अभ्यर्थियों के विलयनों की मोलर चालकता या आणविक चालकता। ठीक, तो ये क्या होगा कि किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में, के एक निश्चित आयतन में वैद्युत अभ्यर्थ पदार्थ, वैद्युत अपघट पदार्थ या का बातें की चीज है, पदार्थ होते ही सब, तो किसी विलयन के निश्चित आयतन में वैद्युत अपघट का एक मोल घुलाओ, एक मोल या ग्राम अणु, मोल को ग्राम अणु भी कहते हैं, इसीलिए इसे आणविक चालकता भी कहते हैं। ठीक, कि किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में वैद्युत अपघट पदार्थ का या वैद्युत अपघट का एक मोल घुला हो तो इस अवस्था में, तो इस अवस्था में विलयन की चालकता को, विलयन की चालकता को उस वैद्युत अपघट की मोलर चालकता कहते हैं, उस वैद्युत अपघट की मोलर चालकता कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में वैद्युत अपघट पदार्थ का एक मोल या एक ग्राम अणु गुला हो तो इस अवस्था में विलयन की चालकता को उस वैद्युत अपघट पदार्थ की मोलर चालकता कहते हैं। ठीक, इसे लैम्डा एम इस तरीके से लिखो या ऐसे लिखो से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी वैद्युत अपघट विलयन की मोलर चालकता का जो मान होता है, नई लाइन से लिख सकते हो, किसी वैद्युत अपघट विलयन की मोलर चालकता, विलयन की मोलर चालकता का मान, मोलर चालकता का मान विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व और उस विलयन के घन सेंटीमीटर में आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, जैसे उधर लिखा था आपने कि किसी भी वैद्युत अपघट के विलयन सूत्र के लिए परिभाषा है, ये इसकी परिभाषा है। ठीक, ये लिखना को अनिवार्य नहीं है लेकिन इससे बता रहे हैं कि कैसे सूत्र बनता है। ठीक, ध्यान रखिएगा परिभाषा मुख्य रूप से ऊपर लिखी है, ये सूत्र के लिए बात है। आप लैंग्वेज ये नहीं लिखते हो तो सूत्र लिखना पड़ेगा आपको, यहां बता रहे हैं कि सूत्र कैसे निकला कि किसी वैद्युत अपघट विलयन की मोलर चालकता का मान विशिष्ट चालकत्व और उस विलयन के घन सेंटीमीटर में आयतन के गुणनफल के बराबर होता है, आयतन के गुणनफल के बराबर होता है।
अर्थात लिख सकते हो कि मोलर चालकता बराबर मोलर चालकता या आणविक चालकता बराबर विशिष्ट चालकत्व गुणे में लिखेंगे घन सेंटीमीटर में आयतन, ठीक है कि विलयन के घन सेंटीमीटर में आयतन या विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन, या ऐसे लिख सकते हो कि एक मोल विद्युत अपघट्य के विलयन की, यहां पर लिख सकते हो कि एक मोल विद्युत अपघट्य के विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन, घन सेंटीमीटर में आयतन, ठीक। तो यहां पर बढ़ा सकते हो कि उस विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता का मान विशिष्ट चालकत्व, और उस विद्युत अपघट्य के एक मोल विलयन ठीक यहां पर आ गया, उस विद्युत अपघट्य के एक मोल विलयन के घन सेंटीमीटर में आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। ये लैंग्वेज इतनी को अनुमान नहीं लिखना है, ये अवश्य लिख देना, ठीक। इसी के नीचे सूत्र बनेगा लैम्डा बराबर आपका कप्पा, और गुणे में क्या आएगा देखिए वी, अभी वी बताया था कैसे निकलता है। अब मोलरता बराबर आपने पढ़ा है, मोलरता बराबर कि विलय के मोल नीचे विलयन का आयतन लीटर में, और जो विलय के मोल कितने एक, और विलयन का आयतन जो एमएल में है तो गुणे में एक हरा लिखेंगे, एक हरा रुपये में आ जाएगा, और अपान में भी आ जाएगा, वी एमएल में या सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है वी एमएल में या सेंटीमीटर क्यूब में, चूंकि सेंटीमीटर क्यूब एमएल के बराबर होता है। अब आप इससे निकालेंगे कि वी बराबर क्या आएगा, वी बराबर क्या आएगा 1000 अपान एम आ जाएगा, ठीक। तो आप वी के स्थान पर यहां पर लिख देंगे लैम्डा बराबर कप्पा, और ऊपर आएगा आपका 1000 अपान एम। एम क्या है, एम क्या है वैद्युत अपघट पदार्थ की सांद्रता मोलरता में है, ठीक। यहां लिख देंगे कि जहां एम बराबर, जहां एम क्या है वैद्युत अपघट पदार्थ या वैद्युत अपघट लिख दीजिए, केवल वैद्युत अपघट विलयन की सांद्रता मोलरता में, विलयन की सांद्रता मोलरता में, ठीक है। तो इस प्रकार ध्यान रखना कि ये परिभाषा लिखेंगे कि किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में वैद्युत अपघट पदार्थ का एक मोल गुणा हो तो इस अवस्था में विलयन की चालकता को उस वैद्युत अपघट विलयन की मोलर चालकता कहते हैं, इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। ये लैंग्वेज नहीं लिखते हो तो डायरेक्ट ये सूत्र लिख सकते हो, ठीक। ये हमने बताया कि सूत्र निकला कैसे, कैसे बना सूत्र, उस तरीके से हमने बता दिया इसे। और वैसे आप एग्जाम में क्या करना है, सिर्फ एक परिभाषा लिखिए और लास्ट में सूत्र लिख दीजिए कि लैम्डा एम बराबर क्या आएगा कप्पा गुणे 1000 अपान एम, सिर्फ इतना फॉर्मूला लिख दीजिएगा। ये हमने आपको डिटेल से बता दिया कि किस तरीके से सूत्र निकला है, ठीक। और इसके साइड में ये कर लेना, तो ये हो गई परिभाषा मोलर चालकता की। देखो मोलर चालकता का मात्रक क्या आएगा, मोलर चालकता का मात्रक क्या होगा, अभी आपने सूत्र पढ़ा था कि लैम्डा एम बराबर आपने पढ़ा कप्पा गुणे 1000 अपान एम। यहां पर इसी सूत्र से मात्रक निकाल लीजिएगा, मोलर चालकता का मात्रक बराबर क्या हुआ ओम इनवर्स, कप्पा आपने पढ़ा था विशिष्ट चालकत्व, और सेंटीमीटर इनवर्स क्योंकि विशिष्ट चालकत्व है, यह विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम के बराबर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इनवर्स ओम और सेंटीमीटर होता है, ठीक। और कप्पा का मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, वह कप्पा और आर आपने पढ़ा हुआ अपान रो, ठीक है। और यहां पर मोलरता का मात्रक क्या आएगा, मोल हो गया, और अपान में आएगा सेंटीमीटर क्यूब, आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है यहां पर, ठीक। तो इस तरीके इसका मात्रक क्या बना,
ओम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब आपका ऊपर चला गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा सिर्फ क्योंकि एक माइनस की पावर है और ये आपका मोल इनवर्स आ जाएगा। ठीक मोल इनवर्स ओम इनवर्स को हम सीमेंस भी कहते हैं या मो भी कहते हैं मो, लेकिन आप यहां केमिस्ट्री में सीमेंस मात्रक का यूज होता है। तो सीमेंस हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया और ये ओम मोल इनवर्स हो गया। ठीक ये हो गया आपका सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो गया आपका मोल इनवर्स, ये भैया इसका मात्रक हो गया। एसआई में इसका मात्रक क्या होगा? एसआई में जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर स्थान पर मीटर होता है। तो हो गया सीमेंस मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये एसआई में इसका मात्रक हो गया। ठीक अगला आपका टॉपिक है मोलर चालकता तुल्यांक की चालकता में संबंध। ठीक तो देखिए मोलर चालकता और फार्मूला क्या पढ़ा, कप्पा ऊपर क्या आएगा 1000 अपान एम। तुल्यांक की चालकता और क्या पढ़ा, कप्पा और क्या आएगा 1000 अपान एम, दोनों को डिवाइड कर दीजिए क्या आएगा समीकरण फर्स्ट डिवाइड सेकेंड क्या आएगा लंडा एम और लंडा ए क्यू बराबर क्या आएगा आपका एक कैंसिल आउट 1000 कैंसिल आउट यह रहेगा 1/m और यह रहेगा 1/n एन आपका ऊपर चला रहेगा लंडा एम अपान लंडा ए क्यू बराबर क्या आएगा एन ऊपर चला गया और एम अपान लंडा एम अपान लंडा ए क्यू बराबर कैपिटल एन अपान स्मॉल कैपिटल एन इसको पलट देंगे क्या रहेगा कि लैम्डा इक्यू अपान आएगा लैम्डा एम और यह रहेगा एम अपान एन। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि एल बराबर इस माध्यम गुणे एम। ठीक नॉर्मलता मोलरता में संबंध पढ़ाया होगा कि कैपिटल एन बराबर होता है इस माध्यम गुणे एम और ये क्या अम्ल की क्षारकता क्षारकीयता और कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ है तो उसमें धनायन ऋणायनों की संख्या जो पड़ी होगी या उसकी स्वेरकता पड़ी होगी कि धनावेशों और ऋणावेशों की स्वेरकता। ठीक तो यहां पर सूत्र कैसे बनाएंगे कि n के स्थान पर लिख देंगे यही रखो चिंता करो देखो यही रख देते हैं कि लैम्डा अपॉन लैम्डा ई क्यू बराबर क्या आएगा स्मॉल एम गुणे कैपिटल एम और ये कैपिटल एम ये आपका कैंसिल आउट सूत्र हो गया एम बराबर एम गुणे लैम्डा ई क्यू। ठीक है मोलर चालकता बराबर एम गुणे तुल्यांकी चालकता। ठीक तो इसके नीचे लिख देंगे कि जहां एम बराबर अम की चालकता होती है या क्षार की अम्लता या वैद्युत अपघट्य विलयन में उपस्थित कुल धन या ऋणावेशों की संख्या। ठीक इस तरीके से बराबर होता है जैसे NaCl है NaCl तो जहां तो Na प्लस है आपका Cl माइनस तो N का मान एक हो गया। ठीक अब जैसे Na2SO4 है तो यह आयनित होगा क्या आएगा 2Na प्लस और SO4 माइनस माइनस तो कुल धनावेशों की संख्या कितनी हुई धनावेश कितने हो गए दो टोटल या ऋणावेश देखो ये भी इस पर निर्भर जो आपका ऋणावेश है उस पर भी दो है। ठीक ये तो इसीलिए इसके लिए एन का मान कितना हो गया एन का मान दो हो गया। ठीक तो इस प्रकार ये मोलर चालकता तुल्यांक की चालकता में संबंध हो गया कि मोलर चालकता बराबर सूत्रीय तुल्यांक की चालकता बराबर सूत्रीय दोनों को डिवाइड कर दिया ये आपका आ गया एन ऊपर आपका चला गया एन बटे एम हो गया एन बराबर बताया था एन बराबर होता इस माध्यम गुणे एम ये मान यहां रख दिया
एम आपका कैंसिल आउट हो गया, स्मॉलन आ गया, ठीक। तो ये रिलेशन हो गया कि मोलर चालकता बराबर स्मॉलन गुणे तुल्यांक की चालकता। जाएं क्या है, अम्ल की क्षारकता या क्षार की अम्लता या वैद्युत अपघट विलयन में कुल धन या ऋणावेशों की संख्या, ठीक।